चैप्टर थर्टीन प्रॉबिबिलिटी सी बी एस ई टू थाउजेंड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देखो टू थाउजेंड में ये चैप्टर टेन मार्क्स में पूछा गया था तो क्वेश्चन देख लो क्या आए थे ये आपका टू थाउजेंड का सेट वन है इसमें देखो क्वेश्चन क्या थे सबसे पहले टू मार्क्स वाला क्वेश्चन देखो ये देखो एक आया था टू मार्क्स का ये क्वेश्चन इसमें हमें ए और बी को इंडिपेंडेंट चेक करना था कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है एक दो टू मार्क्स का ये पूछा गया और इसके बाद ना टू मार्क्स के फोर नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन नंबर है ट्वेंटी वन इसमें आपको मीन और वेरेंस निकालना था ठीक है और इसके नीचे आप देखो फोर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बेस थ्योरम का था ये क्वेश्चन ठीक है ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बाकी सेट में भी यही सेम क्वेश्चन थे तो वो नहीं दिखाएंगे हम आपको अब देखो क्वेश्चन क्या था अ डाई हुज फेसिस आर मार्क्ड वन टू थ्री इन रेड एंड फोर फाइव सिक्स इन ग्रीन इज देखो एक डाइज है जिसके तीन फेसिस वन टू थ्री रेड वाले हैं और फोर फाइव सिक्स ग्रीन वाले हैं लेट ए बी द इवेंट नंबर ऑबटेन इज इवन ए हमारे पास इवेंट दिया हुआ है जिसमें नंबर क्या लेना है इवन और एंड बी बी दी इवेंट नंबर ओपटेन इज रेड और बी हमें लेना है इवेंट जिसमें नंबर क्या होना चाहिए रेड होना चाहिए तो फाइंड करना है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है इसके लिए हमें यह चेक करना पड़ता है कि प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबिबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबिलिटी ऑफ बी चीज हमें चेक करनी पड़ेगी तो सबसे पहले ए देखो क्या दिया हुआ है? यहां पे ए है नंबर इज इवन तो इवन नंबर देखो कौन से हैं? टू फोर सिक्स इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें वन टू थ्री और टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसी तरह बी ले लो बी देखो क्या दिया है बी बी दी इवेंट नंबर इज रेड रेड देखो कौन से वाले नंबर हैं वन टू थ्री तो बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले कितने नंबर हैं वन टू थ्री और टोटल है सिक्स अब हमें क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं ए और बी में देखो क्या कॉमन है ये ए है ये बी है दोनों में कॉमन सिर्फ टू है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल लो क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी Probability ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वन और टोटल एलिमेंट्स है सिक्स अब हम ये वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे देखते हैं इक्वल आता है या नहीं प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया Probability ऑफ ए into Probability ऑफ बी निकालते हैं Probability ऑफ ए into बी देखो क्या आएगा ए की probability कितनी है थ्री बाई सिक्स और बी की probability वो भी थ्री बाय सिक्स तो ये कितना हो जाएगा नाइन अपॉन थर्टी सिक्स नाइन वन सा नाइन फोर सा तो आप देखो ये दोनों बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम लिखेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी तो इसका मतलब हो गया ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट इसके बाद नेक्स्ट हम फोर मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं जो फोर मार्क्स के पूछे गए थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपको पूछा गया था इसमें ना मीन और वेरंस पूछा गया था तो ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से डिलीट है ये एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर का क्वेश्चन है ठीक है तो हम ये नहीं करेंगे डिलीटेड सिलेबस नहीं करेंगे अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो देखो क्या दिया हुआ था ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इट इज नाउन डैट थर्टी परसेंट हैव हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस एंड सेवेंटी परसेंट आर इरेगुलर देखो क्या कहता है थर्टी परसेंट बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस है और सेवेंटी परसेंट है जो इरेगुलर है इरेगुलर मीन्स जो डेली स्कूल नहीं जाते ठीक है उसके बाद कहता है प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट डैट सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल दस हुव हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड एंड टेन परसेंट इरेगुलर स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड इन दिन एनुअल एग्जामिनेशन देखो क्या कहता है प्रीवियस ईयर्स एनुअल एग्जामिनेशन में सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट वह वो थे जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस थी उनको ए ग्रेड मिला और जो टेन परसेंट इरेगुलर स्टूडेंट्स थे उनको भी ए ग्रेड मिला ठीक है उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द स्कूल एंड ही वॉज़ फाउंड टू बी एन ए ग्रेड मतलब हमें क्या करना है इनमें से कोई एक स्टूडेंट को हमें सेलेक्ट करना है और वो कौन सा होना चाहिए ए ग्रेड का मतलब जब उन्होंने एक स्टूडेंट चूज किया और वो उनको कौन सा मिला ए ग्रेड वाला मिला ठीक है अब आगे कहता है वट इज़ द प्रॉबिलिटी डैट द स्टूडेंट हैज़ हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस ज रेगुलैरिटी रिक्वायर्ड ओनली इन स्कूल जस्टिफाई योर आंसर तो हमें प्रॉबलिटी निकालनी है कि जो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस क्या होगी हंड्रेड परसेंट उस चीज की प्रॉबिलिटी निकालनी है तो देखो कैसे करेंगे यहां पर ई वन ले लेंगे हम उनको जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस है इसको ई वन ले लेते हैं तो वह बच्चे रेगुलर भी होंगे तो हम उनको लिख लेते हैं रेगुलर हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस और E2 ले लेते हैं जो स्टूडेंट्स इरेगुलर थे E2 ले लिया हमने इरेगुलर और A ले लेंगे हम जिनका A ग्रेड आया था तो A हम ले लेते हैं गेटिंग एन ए ग्रेड गेटिंग एन ए ग्रेड अब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो E1 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी E1 वो हैं जिनकी परसेंट रेगुलर स्टूडेंट जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस है वो कितनी है थर्टी परसेंट तो ये बन गया थर्टी बाय हंड्रेड ई टू देखो क्या होगा ई टू वो हैं जो इरेगुलर है इरेगुलर वाले कितने हैं सेवेंटी परसेंट नहीं हाँ सेवेंटी परसेंट ही है ठीक है ठीक है सेवेंटी बाय हंड्रेड ठीक है अब आज ए बाईन देखो ए बाईन में क्या होगा सबसे पहले आप देखो यहां क्या लिखा हुआ ए बाई वन का क्या मतलब हो गया कि स्टूडेंट्स जिन्होंने ए ग्रेड जिनका ए ग्रेड आया और जिनकी अटेंडेंस क्या थी हंड्रेड परसेंट वो लोग देखो कितने थे वो थे सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस देखो इस लाइन का ध्यान से मतलब समझो सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स हमें सब स्टूडेंट्स की बात करनी है जिनका हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस ए ग्रेड आया तो मतलब कुछ अब बच्चे यहां ना गलती कर जाते हैं गलती क्या करते हैं वो यहां पे जल्दबाजी में सेवेंटी परसेंट मतलब सेवेंटी बाई हंड्रेड लिख देंगे हमें यहाँ पे सेवेंटी परसेंट ऑफ थर्टी परसेंट का निकालना है सेवेंटी परसेंट ऑफ थर्टी परसेंट का समझ आई मेरी बात क्योंकि यहाँ लिखा है आप ध्यान से पढ़ो सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स हु हैव हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड मतलब हमें उन सबको उन सब स्टूडेंट्स को देखना है जिन जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस थी तो वो क्या होगा जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस थी वो कितने थे थर्टी परसेंट तो ये बनेगा सेवेंटी परसेंट ऑफ थर्टी परसेंट मतलब इन टू थर्टी बाय हंड्रेड जिसने सिर्फ सेवेंटी परसेंट लिख दिया उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ये ध्यान रखना बस ठीक है इसके बाद ए बाय ई टू आ जाओ ए बाई टू देखो क्या दिया वो ए बाई टू में क्या टेन परसेंट इरेगुलर लेकिन हमें टेन परसेंट इरेगुलर किसका देखना है सेवन का क्योंकि सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट आर इरेग्यूलर समझ आई मतलब दस परसेंट हमें सब स्टूडेंट्स का देखना है तो ये बनेगा टेन बाय हंड्रेड इंटू सेवेंटी परसेंट सेवेंटी बाय हंड्रेड यह आ गया अब हमें क्या निकालना है इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो समझ लो बस उसके बाद हमें निकालना है प्रोबिलिटी डैट द स्टूडेंट हैज हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस तो वो कौन है वो है ई वन तो यूजिंग बेस थ्योरम हमें यहां पे निकालना है ई वन की प्रॉबिलिटी जो ई वन की ई वन बाय ए ई वन बाय ए का मतलब हो गया कि वो स्टूडेंट जिनकी हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस थी उनको ए ग्रेड पहले का मिल चुका है मतलब इसमें जो ए होता है वो पहले से हो चुका हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू ए बाय ई टू अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करो सबसे पहले ई वन की वैल्यू थर्टी बाय हंड्रेड ए बाय ई वन की वैल्यू इसको ये भी लिख दो सेवनटी बाय हंड्रेड इंटू थर्टी बाय हंड्रेड अपॉन यहाँ पे तो यही सेम ही लिखना है क्योंकि ये देखो दोनों सेम ही है थर्टी बाय हंड्रेड इंटू सेवेंटी बाय हंड्रेड इंटू थर्टी बाय हंड्रेड ई टू की प्रोबेबिलिटी देखो क्या ई टू की प्रोबेबिलिटी है सेवेंटी बाय हंड्रेड इंटू ए बाय ई टू ए बाय ई टू की प्रॉबलिटी टेन बाय हंड्रेड अब इसको कैल्कुलेट तो कर ही लोगे चलो हम कर देते हैं फिर भी आपको सॉल्व देखो ये कितना बनेगा सेवन थ्री 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 जो नाइन नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री तो वन टू थ्री थ्री ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसमें और यहाँ पे एक दो तीन छः ज़ीरो एक दो तीन चार पाँच छः अब इसका डायरेक्ट नीचे LCM ले, ले लेते हैं एलसीएम कितना आएगा यही सेम आएगा सिक्स ज़ीरो आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी सेम आएगा सिक्स थ्री ट्रिपल ज़ीरो और ये कितना बनेगा सेवन सेवनजा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन वन टू थ्री ये और ये कटा ये बनेगा सिक्स थ्री ट्रिपल ज़ीरो तीन जीरो पहले लिख दो सिक्सटी थ्री में फोटी नाइन ऐड करोगे नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व वन कैरी ये बनेगा एक सौ बारह ये और ये कटा तो सिक्सटी थ्री अपॉन वन वन टू आ गया ठीक है यहाँ ध्यान रखना यहाँ गड़बड़ नहीं कर देना जिसने यहाँ गड़बड़ कर दी उसका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो ये हो गए हमारे 2017 के क्वेश्चंस कल हम करेंगे 2016 के फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडीज ठीक है ये अगर नहीं दिख रहा दोबारा लिख देते हैं 63 थ्री अपॉन वन लिखा है लिखा हमने ये देख लेना